नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भगवा में एक महिला का प्रसव ट्रॉली में कराया गया, स्वास्थ्य केंद्र ले जाए जाने पर वहां डॉक्टर और नर्स नहीं मिले। इसके अलावा बाइकर्स गैंग पर अब पुलिस की निगाह है, खबर का असर हुआ है, जल्द ही कार्रवाई होगी। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स न मिलने पर ट्रॉली में हुआ महिला का प्रसव। पेप्टिक टाइम की खबर का हुआ असर, बाइकर्स गैंग पर कोतवाली पुलिस करेगी कार्रवाई। साइकिल सहित पोखर में डूबने से दो सगे नाबालिग भाइयों की हुई दर्दनाक मौत। और अब छतरपुर भी होगा पॉलीथीन मुक्त, जल्द ही संग्रह करने वाले और विक्रय करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्यवाही। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। भगवा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई हैं। यहां पर एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया, पहले लगभग दो घंटे तक जननी एक्सप्रेस और 108 वाहन का इंतजार किया गया, लेकिन जब वाहन नहीं पहुंचा तो महिला को ट्रैक्टर ट्रॉली में लिटाकर भगवा ले जाया गया। वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नर्स न मिलने पर वापस बड़म लहरा का रुख किया, लेकिन रास्ते में ही महिला को प्रसव हो गया। इस बात की जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य अधिकारियों को दी गई, उन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई है। उनका कहना है कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बड़ा मलेरा क्षेत्र के भगवा का जो मामला सामने आया है, यहाँ पे ट्रैक्टर की ट्राली में एक प्रसूता महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही सामने आई है, उसको लेकर CMHO AK तिवारी का कहना है कि हमने एक टीम बनाई है जो टीम मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा वो खुद वहां पर जाकर जांच करेगी कि उस दिन डॉक्टर छुट्टी पर थे या अनुपस्थित थे। इसके अलावा नर्स का भी मामला सामने आया कि नर्स भी उपस्थित नहीं थी। तमाम चीजों को लेकर खुद CMHO इसकी जाँच करेंगे और जाँच के उपरांत जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं मिली उसको जननी, लेकिन उसकी हमने जाँच के लिए आदेश कर दिए हैं और कल हम स्वयं भी वहाँ जा रहे हैं उसकी जांच के लिए। लेकिन वहाँ एक ऑलरेडी जननी लगी हुई है, हो सकता है कि वो कहीं गई हुई वो समय कॉल पे और नहीं उपलब्ध हो पाई हो। 108 गाड़ी भी है गुवारा से, वो भी मंगाते हैं, तो ये हो सकता है कि वो उनकी टाइमिंग का कुछ ऐसा हो कि वो गाड़ी आ रही हो और उसको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया हो उनने और डिलीवरी उसको ला रहे हों ट्रैक्टर से, उसमें हो गई हो। बाकी दूसरा मामला उसमें ये आया है कि वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं था ऐसा उनका कहना है और वहाँ सिस्टर भी उपलब्ध नहीं थी ऐसा उनका कहना है, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी हमने वहाँ जांच अधिकारी को भेजा हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने पे कुछ बता पाएंगे। कल हम भी विजिट पे जा रहे हैं। एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि शहर में कुछ बाइकर्स गैंग वाले युवा हैं जो कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से विभिन्न स्टंट करते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। इस स्टंट को लेकर हमने खबर प्रकाशित की और अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने का मन बना रही है। एडिशनल SP का कहना है कि उन्होंने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इस पर कार्रवाई करें। आपके द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में आई है, इसकी हम शीघ्रता से जांच कराएंगे और दोषी पाए जाने वाले बाइकर्स के खिलाफ भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राजनगर बाईपास पर एक पोखर में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई नाबालिग थे, साइकिल से ये घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक किनारे से गुजरने पर मिट्टी खिसक जाने से वे साइकिल सहित उस पोखर में जा गिरे और दोनों की मौत हो गई। दोनों भाइयों में भरत अहिरवार 14 वर्ष और सत्यवचन अहिरवार 11 साल की उम्र का था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर ग्राम में
ये भारत अहिरवार और सत्य वचन अहिरवार ये 14 वर्ष क्रमशः और 12 वर्ष के हैं जो साइकिल से जा रहे थे, घर से 4 बजे शाम के करीब निकले थे और घर से जा रहे थे। ऐसी जानकारी मिली है कि वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ था जिस तो तलाइया टाइप का बना हुआ था, जिसमें से अनबैलेंस होने से साइकिल के साथ वो गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। जब वो उनकी जानकारी परिजन उतराने पर हुई तो वो आकर के थाने में रिपोर्ट किए जिस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और FSL टीम भी मौके पर गई हुई है। जांच पर जैसे आएगी विसंबद्ध कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 मई 2017 को प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद से लेकिन छतरपुर में अभी तक इस दिशा में कोई भी ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। लोगों का मानना है कि एक अच्छा कदम है और इससे पर्यावरण को बचाने में कुछ मदद मिलेगी, लेकिन इस मामले में अभी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि SDM DP द्विवेदी का कहना है कि जो भी भंडारण, विक्रय और पॉलीथिन का यूज़ कर रहे हैं उन पर जल्द से जल्द एक टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके पूर्व कलेक्टर रमेश भंडारी ने भी एक आदेश के तहत सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस दिशा में सूचित भी किया है। पन्नी में प्रतिबंध तो सही लगा है लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई बाजार में बराबर धरले से कोर्ट में बिक रही है और बराबर सामान बिक रहा है, पन्नी बराबर जा रही है। शासन इसमें कड़ी कार्रवाई करे तो उसमें रोका है। सरकार ने जो पन्नी पे एक हफ्ते पहले बैन लगाया अच्छा हुआ है, लेकिन आज भी पन्नी के जो थोक दुकानदार है, विक्रेता है, वो आज भी पन्नी चला रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार से गुजारिश है कि उन पे कार्रवाई की जाए ताकि पन्नियों पे पूरी तरह बैन लगे और जो भी खाद्य सामग्री वगैरह है उन पे भी बैन लगाया जाए। पन्नी पे जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है वो अच्छा प्रतिबंध लगाया है और हमें बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जो थोक व्यापारी हैं जो पन्नी बेच रहे हैं वो उस पे शासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए जनता को तो हर दुकानों पे पन्नी मिल रही है, कोई भी सामान लेने जाओ तो वो पन्नी देते हैं, हम लोग लेते हैं। अगर वहाँ से वो थोक व्यापारी अगर ना बेचें तो दुकानों पे सप्लाई नहीं होगी तो हितग्राहियों को भी नहीं मिलेगी। 24 मई को ये अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इसमें आदेश पारित कर दिया गया और किसी भी तरह से जो पन्नी है, पॉलीथीन है, यदि वो अमानक स्तर की पाई जाती हैं, उनका भंडारण पाया जाता है, उनका उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन, क्रय विक्रय यदि पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन सक्षम हो कार्रवाई करेगा। नगर पालिका में राशन कार्ड विभाग, नल विभाग और विद्युत विभाग की बिल्डिंग जर्जर हो जाने की वजह से उन्हें गिरा दिया गया है और अब नए सिरे से ये भवन बनाए जाएंगे। लगभग 90 लाख रुपए की लागत से भवनों का निर्माण किया जा रहा है। किस तरीके का, ये जो पुरानी इमारत थी इसको गिरा करके नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं ये पुरानी ही इमारत है, देखो कभी भी कुछ हादसा हो सकता था, इस वजह से इन लोगों ने ये तोड़वा के नई इमारत बनाई। नौगांव के अचट से 11 साल पहले भागा हुआ प्रेमी जोड़ा वापस नौगांव थाने पहुंचा, जहां पर उन्होंने बताया कि वे परिवार और गांव वालों की परेशानी और प्रताड़ना की वजह से यहां से भागे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए कई शहरों में जाकर उन्होंने काम किया। अब इस जोड़े के 3 बच्चे भी हैं। लगभग 11 साल पहले अचट गाँव के रजनी खान और बबलू को आपस में प्रेम हो गया, लेकिन परिवारजनों को ये मंजूर नहीं था और उनसे बचने के लिए ये दोनों लोग वहाँ से भाग गए। अभी 1 तारीख से ऑपरेशन चल रहा है वालकबाल गाँव के, ये करीब रजनी गाँव में इसका अचट गाँव के रहने वाली 2006 में घर से बिना बताए चली गई थी। उसका यहाँ पर थाना प्रभारी नौ गाँव के लोग गया था, एक टीम को यहाँ हिमाचल प्रदेश पता लगा, हिमाचल प्रदेश में ये शादी करके रहने लगी है, वहाँ से इसको बरामद किया गया है। 2 साल पहले इसने शादी की, प्यार करा था, हमने कोई डर खड़ी ना था, ससुराल में रहूंगी, माँ बाप के पास नहीं फिर रहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के तत्वावधान में तंबाकू निषेध दिवस पर एक दिन का शिविर लगाया गया। दरअसल 31 तारीख को पूरे विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसी को लेकर एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पुलिस अधीक्षक ललित शाकेवार और पूर्व CMHO डॉक्टर के चतुर्वेदी सहित कमल अग्रवाल और एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गांधी आश्रम के दुर्गा प्रसाद आर्य, दमयंती पाणी सहित बड़ी संख्या में लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आज तक लाइफ में मैंने कभी भी नींद की गोली का यूज नहीं किया और ना मतलब आपको ही पता है कि मैं
टैबलेट जितनी भी हैं, क्योंकि आपको जैसे अभी बेल का रस आपको यहाँ पर देखा, आपके पास नेचुरल चीज़ें इतनी हैं और आपकी बॉडी यदि आप उसको सही डायरेक्शन में लेके जाते हो तो नेचुरल इतनी आप में इम्यूनिटी पावर है कि वो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक कर देते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में सुपारी खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, तंबाकू खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है और इसको वो प्रेम समझते हैं। अगर एक आदमी किसी दूसरे के घर जा रहा है और अगर उसको तंबाकू के लिए नहीं पूछा तो वो नाराज हो जाता है, वो कहता है कि हमें देखिए तंबाकू तक नहीं खिलाई, बाकी तो और छोड़ दीजिए, तंबाकू भी नहीं खिलाई। तो ये एक स्लोगन है, ऐसी हमारे गांव में प्रथा है, हर आदमी तंबाकू खाने के लिए लालायत है, प्रेरित है। नौगांव के सर्किट हाउस में 30 तारीख को पत्रकारों को सम्मानित किया गया, आनंद सेवा समिति द्वारा इन पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी, तहसीलदार जिया फातिमा, एसडीएम बीबी गंगेले भी इस मौके पर मौजूद रहे। दरअसल 30 मई 1826 को ही पहले समाचार पत्र का प्रकाशन व संपादन हुआ था और तभी से हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में 30 मई को मनाया जाता है। बुराइयाँ तो इस समाज में जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है थी, अभी हैं, आगे भी बनी रहेंगी, और बुराइयों को केवल समाज में हुई अच्छाइयों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। पत्रकारिता बहुत अच्छी चीज़ है, समाज के लिए, प्रशासन के लिए एक दर्पण है जो हमें आईना दिखाता है कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक, और हम वो गलती या चूक भविष्य में मैं नहीं दोहराएं। ईशानगर के पहाड़ गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों के साथ मारपीट की गई है, इसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल 8-10 दिन पहले भी इन लोगों से कुछ बहस हुई थी। पहाड़ गांव ईशानगर के निवासी अभय सिंह और सुमेर सिंह ने बताया कि जब वे घर पर बैठे हुए थे तभी राम सिंह, सुरेंद्र और धर्मेंद्र सहित लगभग 14 लोग आए और उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। हम लोग जब जरावर बैठे थे 10-12 बेस आए और दारू के लिए पैसे मांगे और चैन और अंगूठी ली और बेलाया और हमने विरोध करने पर मारपीट की। वजह से दारू के लिए पैसे मांगे हम लोग ने मना किया, इसके पहले था विवाद 10-15 दिन का किसी गाली के लोग। राजनगर निवासी बहियन पटेल मेला ग्राउंड में भूख हड़ताल पर बैठा था। उसने आरोप लगाया था कि गांव के दबंगों और कुछ कांग्रेसियों ने मिलकर उसकी जमीन हड़प ली है। इस मामले में खबर का असर हुआ है, एसडीएम डीपी द्विवेदी मौके पर पहुंचे और तत्काल ही इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, उसे आश्वासन दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने पर बहियन पटेल ने काफी खुशी जताई और पेप्टिक टाइम को भी साधुवाद दी। उसमें हम कल 9 बजे से बैठे थे, मंगलवार को 9 बजे सुबह से बैठ रहे थे भूख हड़ताल पर अन्न जलते आग के, तो कल तो किसी ने नहीं सुनी है। फिर जब पेपर में आप लोगों ने पेपर में निकाला तो उस पेपर की जैसे अधिकारियों के कानून में झनक पड़ी, तो सवेरे से SDM साहब वहाँ ने आके हमारे पास आए तो उन्होंने हमारी समस्या का निराकरण भी लाने कही कि तुम्हारा निराकरण हुआ और ये अनशन टूरो और ये सामान के सब अंदर रखो और भीतर चलो, भीतर हमको सारी समस्या बताओ जो तुम्हारे साथ गुजरा हुए, तुम्हारे कागजों के साथ, और एक तुम्हारे लिए टीम बना के हम भेज रहे हैं, तो टीम तुम्हारा जाके मौका पर निरीक्षण करेगी। जिला अस्पताल में ब्लड टेस्ट करने के बाद सिरिंजें इधर उधर खाली पड़ी हुई हैं और ऐसे में किसी भी घटना का अंदेशा है। यहाँ मरीजों के बीच में सिरिंज पड़ी है और धोखे से अगर किसी को भी सिरिंज की सुई लग जाती है तो इससे गंभीर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि इनसे एड्स तक होने का खतरा है। बावजूद इसके इतनी बड़ी बात को बड़े ही छोटे तौर पर देखा जा रहा है। लैब टेक्नीशियन अखिलेश कुशवाहा ने यहाँ खुले में मरीजों के बीच में ही ये सिरिंज फेंक दी है और अभी तक इनकी सफाई नहीं हुई है। और तारबारी भी तोड़ दी है। मेरे पिताजी को मारने के लिए लाठी लेके आए थे, मेरे पिताजी रथ के साथ में थे, सेवक कुशवाहा और गोविंद दास, मूलचंद, चन्नू,
साधन से बात करना चाहते हैं अपनी समस्या। महाराजपुर थाना के अंतर्गत कुछ लोगों के साथ मारपीट होने के बावजूद थाना पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। बाबूलाल कुशवाहा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, थाने में रिपोर्ट लिखाए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवाद कुछ नहीं है, इस कमरे में क्या है, चूंकि ये बायो हजार्ड कमरा है, यहाँ पर रोज कम से कम झाड़ू और पोछा दोनों टाइम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है तीन तीन दिन तक चार चार दिन तक कचरा तक नहीं हटाया जाता है यहाँ पर। झाड़ू लगाने के लिए बोल दो तो वो ठेकेदार के जो सफाई कर्मचारी हैं ये कहते हैं कि मेरा ठेका नहीं है, आपके कमरे के अंदर का ठेका नहीं है, बाहर बाहर ही झाड़ू लगा के चले जाते हैं। तीन तीन दिन में इन्हें पकड़ के ले आओ तब वो कचरा उठाते हैं यहाँ का। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार की बकेट भरी हुई है। वैसे देखा जाए तो इन जो सिरिंजें हैं ये हाइपोक्लोराइड में डुबाई गई हैं और उसके बाद फेंकी गई, इसलिए इनमें वैसे कोई खतरनाक बात कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि अगर कचरा सफाई नहीं किया जाएगा तो कमरे के अंदर का कचरा तो कमरे के बाहर जाएगा। तो हम झाड़ू लगा रहे थे, साहब बोले, ब्लड बैंक वाले भैया बोले इधर आ भाई, हमने कि सर रुक जाइए एक मिनट, हमारा कचरा उड़ रहा, मैं झाड़ू से साइड में कर दें। नहीं बोले तुम इधर आती हो या नहीं आती हो, उन्होंने लिया जो बाहर कचरा फेंक दिया, हमने कि फेंक दो कचरे में, ये क्या है, सिरिंज वगैरह है, ब्लड व्लड की ट्यू यू है, ये सारे हैं ये कचरा, तो अगर तुम कहीं भी कचरा फेंक दो हमारे आँखों के सामने फेंकोगे तो हम तो टोकेंगे, आँखों वगैरह का फेंको तो हम तो नहीं बोले कुछ नहीं, तुमने हमें आँखों के सामने बोलते ही जा रहा है कि हम तो फेंके जा रहे, तुम फेंक रही हो या नहीं फेंक रही हो। बमीठा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेरडी की एक महिला घसीटिया अहिरवार द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। उसका कहना है कि 27 मई को उसके पति कल्लू अहिरवार के साथ परमलाल, कैलाश आदि ने मारपीट की और उसके बाद रिपोर्ट लिखाने के बाद राजीनामा पर दबाव भी बनाया जा रहा है। हमारे बच्चा हम पहुंच गया, बच्चा पहुंच गया, बच्चा हम पकड़ के छेड़ मारन लगे और सो हम पहुंचे, सो हम गए, सो हम खमारन लगे, दो लड़का गए जो उन्हें मार पीट करके छोड़ दिया, जब बच्चा दूर पहुंचे तो छोड़ दिया, और हम हमारे बच्चा घर पर है तो घर पर छेड़ते हैं, मारते हैं, रात में जाते हैं, तो धमकी दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स न मिलने पर ट्रॉली में हुआ महिला का प्रसव। पेप्टिक टाइम की खबर का हुआ असर, बाइकर्स गैंग पर कोतवाली पुलिस करेगी कार्रवाई। साइकिल सहित पोखर में डूबने से दो सगे नाबालिग भाइयों की हुई दर्दनाक मौत। और अब छतरपुर भी होगा पॉलीथीन मुक्त, जल्द ही संग्रह करने वाले और विक्रय करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्यवाही।